प्यारे बच्चों, एक लड़का जिसका नाम शाहिद है, उसने अपने पलंग के लिए चादर लाने का सोचा। उसने सोचा कि वो किसी टेप या स्टेप की मदद से पलंग का नाप ले ले और फिर उसी नाप की चादर वो लेकर आ जाए। लेकिन उसके पास पलंग नापने के लिए कोई टेप या कोई स्केल ना थी। फिर उसने सोचा क्यों ना वो अपनी बालिश की मदद से पलंग का नाप ले ले। बालिश होती है हमारे अंगूठे से लेकर कर उंगली यानी छोटी उंगली तक का फासला। उसने अपने पलंग का नाप बालिश की मदद से लेना शुरू किया तो वो नाप 11 बालिश हुआ। लेकिन जब उसे चादर लाना है तो कुछ बड़ी लगेगी तो उसने 13 बालिश की चादर लाने का सोचा। बच्चों, आप और कौन कौन सी चीजों की लंबाई नाप सकते हैं हमारी बालिश के जरिए? जैसे तख्ते से इसे हम अपने बालिश के जरिए नाप सकते हैं। दो दीवारों के दरमियान का फासला आप कैसा नापेंगे? वो हम अपने कदमों के जरिए से नाप सकते हैं। इसी तरह अपने स्कूल की खिड़की का एक कोने से लेकर दूसरा कोना हमें नापना है तो वो हम बालिश के जरिए नाप सकते हैं। दो गमलों के दरमियान का फासला हम अपने कदमों के जरिए नाप सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आओ गिनती करें इस तस्वीर को आप वाजे तौर